hello everyone welcome to the first session of photography class this is session one and today we will be looking at history of photography so let's get going so as you can see on the screen the ancient cameras a uh, lot of uh, other equipment related to photography the agenda of this uh, session would be meaning of photography

बिकॉज दे डी थिंग टू राइट ऑन तो वो विजअल्स बना केव पे पेंटिंग करते थे सो दैट वो मैसेज उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो इसी तरह हम सोनेज से आगे आते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम पे आपने हायरोगलिफ उनका जो स्क्रिप्ट था वो देखा होगा उस स्क्रिप्ट पे द आर्कियोलॉजिट है वो बेसिकली स्क्रिप्ट इसलिए था कि वो अपने आ, जो आइडियाज हैं जो भी हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड कर सके एंड नॉट ओनली स्क्रिप्ट जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसमें आपको बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स भी नजर आएंगी स्कल्पचर्स भी नजर आएंगे तो ये सब चीजें विजुअल रिकॉर्ड के लिए की जा रही थी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो फोटोग्राफी जो है वो इसका मीनिंग है राइटिंग विद लाइट इट्स बेसिकली राइटिंग लिटरली विद लाइट दिस मीन फोटोग्राफी तो अगर हम डे टू डे हमारी एक्टिविटीज को एग्जामिन करें एक्सपीरियंसेस करें तो वो कैप्चर करने के लिए हमें फोटोग्राफी एज ए हेल्प करती है फोटोग्राफी एज ए टेक्निक हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए भी हेल्प करती है फॉर एग्जाम्पल बॉटनी जो एक फील्ड है उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स के क्लोजअप माइक्रो फोटोग्राफी शॉर्ट्स लिए जाते हैं एंड देन लेटर जो आ, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं बॉटनिस्ट होते हैं उसको डिटेल में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को स्टडी करते हैं तो फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग अ मेमोरी जो आप आंखों से देखते हैं उसको प्रिजर्व कर लिया आपने ऑन अ फोटो प्रिंट और ऑन अ मेमोरी कार्ड तो अर्ली स्टडी ऑफ लाइट को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था एंड पीपल यूज टू लिव इन टेंट्स तो टेंट के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते थे तो होल्स के अंदर से टाइनी रे ऑफ लाइट पास होती थी सनलाइट और ऑपोजिट साइड ऑफ द टेंट जो था उसके ऊपर एक अपसाइड डाउन इमेज प्रोजेक्ट होता था इस फिनोमेना को आगे डिफरेंट डिफरेंट ने आ, ने साइंटिस्ट स्टडी किया है लेकिन उस वक्त इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्हें ये नहीं पता था दे वर रियली क्यूरियस टू तो नो कि ये क्या फिनोमेना है ये कैसे इमेज उनके टेंट के अंदर अपसाइड डाउन इमेज फॉल हो रहा है तो अर्ली फोटोग्राफर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की फेमस ग्रीक फिलोसोफर जिसने जो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी बी सी में एक्सप्लेन किया था फिनोमिना फोटोग्राफी का विच वॉज कॉल्ड डार्क रूम तो डार्क रूम में उसने जो है एक्सपेरिमेंट uh, किया जो कि लेटर फोटोग्राफर्स ने उसको कैमरा ऑब्सक्योरा का नाम दिया है अर्ली फोटोग्राफर्स में हम बात करते हैं लियोनार्डोडाविंची की लियोनार्डोडाविंची वॉज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ रेनसो आर्ट मूवमेंट राइट एंड ही वॉज एन इंजीनियर साइंटिस्ट बायोलॉजिट अ लॉड ऑफ थिंग राइट सो उसने अपनी वो कुछ वर्किंग डायग्राम्स बनाए एक कैमरा ऑफ्सक्यूरा के जो लेटर फोटोग्राफर्स ने उसको फिजिकल जो है उसको शक्ल दी उस कैमरा ऑप्सक्योरा को तो अब आप देख रहे हैं कैमरा ऑप्स्क्योरा का एक्चुअल डायग्राम जो डाविची ने जिसका डायग्राम अपनी आ, आ, you know, बुक्स में बनाया है और एरिस्टोटल ने उसका आइडिया एक्सप्लेन किया था तो ये वर्किंग डायग्राम उसने बनाया उसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट uh, थे फोटोग्राफर्स uh, थे उस टाइम पीरियड के उन्होंने इस कैमरा को डेवलप करने की कोशिश की इनिशियली ये जो कैमरा ऑप्स्क्योरा का concept है ये बहुत बड़ा कैमरा होता था लाइक यू नो दिस बिग राइट तो उसको श्रिंक करने में छोटा करने में बहुत सारी सेंचुरीज लग गई तो शुरू में क्या हुआ इसका यूज इटालियन पेंटर्स जो थे उन्होंने कैमरा ऑफिस्योरा को Uh, जो uh, एक इमेज को अपसाइड डाउन प्रोजेक्ट किया उस सरफेस uh, के ऊपर और अपनी जो ड्राइंग्स थी जो पेंटिंग्स थी उनका प्रस्पेक्टिव इम्प्रूव किया उससे तो वो उसके अंदर बड़ा हेल्प किया उनको आगे हम देखते हैं कि कैमरा ऑप्सक्यूमरा uh, जो है काफ़ी ह्यूज इंसान ने बना लिया था और उसके आगे एक ग्लास लेंस फिट कर दिया था जो ग्लास लेंस था वो बेसिकली अपड डाउन इमेज को उसने अपराइट पोजिशन में कर दिया उस ग्लास लेंस ने बाकी जो सरफेस के ऊपर इमेज प्रोजेक्ट हो रहा था वो अब तक इमेज प्रोजेक्ट हो रहा था अपराइट पोजिशन में वो इमेज प्रिजर्व नहीं हो सकता था परमानेंट नहीं हो सकता था वो सिर्फ देख सकते थे आप तो अब मजीद जो है इंसान को बहुत सारे साल लग गए उस इमेज को परमानेंट करने में तो कैमरा ऑफ्स्यूरा वाज दिस बिग और उसको इतना सा करने में इंसान को बहुत सारे साल लग गए और वो जो इमेज था उसको परमानेंट करने में 120 इयर्स उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए कि इस इमेज का प्रिंट किस तरह लेना है तो इमेजेस परमानेंट करने के लिए 1700 सेंचुरी में जो है काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे केमिस्ट थे उन्होंने फिक्सिंग एजेंट्स फाइंड आउट करने शुरू किए ये वो दौर था जब केमिस्ट्री बूम कर रही थी तो उन्होंने फिक्सिंग एजेंट्स फाइंड आउट करने शुरू कर दिए जो फोटो जो है उसके ऊपर सेंसिटिव हों तो वंस वो फिक्सिंग एजेंट डिस्कवर हो गए तो इंसान ने इमेजेस को परमानेंट करना सीख लिया ऑन पेपर ऑन ग्लास ऑन मेटल ऑन वुड डिफरेंट सर्विसेज पे इमेजेस को परमानेंट किया इंसान ने उस वक्त